नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो दोस्तों हमने देखा था कि जो मई की एक्सपायरी थी वो बहुत अच्छी गई। फ्राइडे को जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो भी बहुत अच्छे गए थे और पर्टिकुलर सारे स्टॉक्स के हमारे टारगेट हिट हुए थे। हमने आप लोगों को पीवीआर बोला था, आईसीआईसीआई प्रूफ बोला था, ग्रासिम बोला था, आप जाके देख सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर बोला था, गोदरेज प्रॉपर्टीज बोला था। गाइस जाके देखिए कि सबके सबके टारगेट्स अचीव हुए और 4-4, 3-3% से ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुए। सो गाइज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बैंक निफ्टी के ट्रेड्स दिए थे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के थ्रू, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। सो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि मैं ये जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर कम से कम सबसे ज़्यादा कमेंट यही होते हैं कि सर हम आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है कि वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। करना क्या है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि आप मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में ना पूछिए। आप जाइए अपने टेलीग्राम चैनल पे, सर्च करिए मेरा चैनल का नाम जो कि है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अराउंड 5,000 सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे और ये फोटो लगी हुई आपको दिख जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं खोल पा रहे हैं, अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्च में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डालना है। आपको ये प्रोफाइल पिक भी शो कर जाएगी और आपको सब्सक्राइबर्स भी शो कर जाएंगे, 5,000 सब्सक्राइबर्स होंगे। वहीं पर ये आप लोगों को लाइव मार्केट पे लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा कि किस तरीके से ट्रेड लेना और किस तरीके से नहीं लेना। गाइज अगर आप लोग थोड़ा लर्निंग कंसेप्ट में और जाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर को भी, इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो कि _first_investment है। गाइज यहाँ पर आपको मैं लर्निंग कंसेप्ट यहाँ पर पूरे सिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों की क्वेरीज भी हैंडल होती है, यहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स के पर्सनल ट्रेड्स आप लोगों को दिखाते हैं, अपने पर्सनल खुद के ट्रेड्स दिखाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आप लोगों को ज़्यादातर कहीं सिखाई नहीं जाती है। सो यहाँ पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। और गाइस ये चीज़ है जो कि नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स जो मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वो ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब मैं मार्केट में आना चाहता हूँ। सो गाइस लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। आप अभी भी अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग का अकाउंट नहीं ओपन करा तो आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जीरोधा का, जीरोधा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं। मैं भी पर्सनली वहीं पर ही ट्रेड करता हूँ और वहाँ के चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी अच्छे हैं, अपग्रेडेड हो रहे हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को वहाँ पर अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके अगर उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका बहुत जल्दी अकाउंट खुल जाएगा और ब्रोकरेज चार्जेस भी गाइस बहुत ज़्यादा कम है। गाइस हम बढ़ते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ जो कि आप लोग 1 जून को ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जो कि कल अपलोड हो जाएगी संडे को, जिसमें मैं आप लोगों को 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो कि आप जून की एक्सपायरी तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो आपको 3-4-5% तक का रिटर्न मिनिमम टू मिनिमम दे सकती है। सो गाइज वॉट आप लोग रुक जाइए गाइज, आप लोगों के लिए वो वीडियो आने वाली है और वो वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा देकर जाएगी और वहाँ पर आप लोगों को चार्ट्स के थ्रू सिखाया जाएगा तो आप लोगों की लर्निंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। सो गाइज सन फार्मा है, बाय करने की सलाह 478 के ऊपर बाय करना है, 475 की क्लोजिंग है, 482-487 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको गाइस 472 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चोला फाइनेंस बाय करने की सलाह दी जाएगी, 142 के ऊपर बाय करना है, 144-147 तक के टारगेट्स हैं, 139 के हमें स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना है। NMDC बाय करके चलना है, कल अबव 181.3 के ऊपर बाय करना है, 83-85.5 तक के टारगेट्स हैं, 78 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाइज यहाँ पर मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेरीज सुनी थी कि आप सर मुझे, हम लोग यहाँ पर आप अपनी वीडियो पे टारगेट और स्टॉप लॉस ज़रूर बताया करिए, चार्ट्स में एक्सप्लेन मत करा करिए, हम लोगों को सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉसेस से मतलब है। तो यहाँ पर ऐसी मेरे को बहुत सी क्वेरीज आई थी और मुझे पहली बात तो ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा कि अगर आप लोग यहाँ पर सीखने नहीं आया, बेसिकली मैं आप लोगों को वहाँ सिखा रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होनी चाहिए। बट आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर भी टारगेट और स्टॉप लॉसेस लेकर आ गया हूँ। इसके बाद आप लोग जो लोग सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस मेरे वीडियो में देखना चाहते हैं, जैसे ये आप लोगों को मैं 5 स्टॉक्स बता दूंगा आप वीडियो को एंड कर सकते हैं। जो लोग सीखना भी चाहते हैं साथ में तो वो वीडियो को कंटिन्यू रखें, मैं आप लोगों को चार्ट्स में जाके समझाऊंगा भी कि मैंने ये स्टॉक्स आप लोगों को क्यों दिए। सो गाइस ये आप लोगों पर डिपेंड है, मैंने आप दोनों की ख्वाहिश को पूरी करा। सो बेसिकली 4 स्टॉक इज वेदांता, बाय अबव 92.5, द टारगेट इज 94 एंड 95.5, यू हैव टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज।
एसबीआई लाइफ बाय अबव 770.5 एंड टारगेट इज 776 783, स्टॉप लॉस इज 763। निफ्टी बाय करके चलना है अबव। आपको ये जो लेवल दिख रहा है ऊपर, बेसिकली ये लेवल रॉन्ग है, ये प्रीवियस डाटा है, इसको आप छोड़ दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए। सो बेसिकली आपको बाय करना है निफ्टी अबव 9600, 9640, 9700 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सेल कर सकते हैं 9545 के नीचे। सो बेसिकली आपका जो टारगेट होगा वो 9500 एंड 9460 होगा। सो ये बेसिकली जो टारगेट्स हमने आप लोगों के लिए लेकर आया है निफ्टी में, क्या अप्रोच करके चलनी है, ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आने वाला जब तक मैं आपको क्लियरली चार्ट्स में नहीं समझाने वाला। सो बेसिकली बैंक निफ्टी के कोई लेवल्स नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में है, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आता, और वो ब्रेकआउट लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे है, सो वो भी आप लोगों को चार्ट्स में समझाऊंगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ स्टॉक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस, वो जनरली या गैप अप ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं, तो आप लोग ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस देना बंद कर दिए थे। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस मिले तो प्रोवाइड है। अब जिन लोगों को मिल चुके हैं वो वीडियो को बंद कर सकते हैं, जो लोग आगे सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ आगे बढ़िए, और हम लोग अब यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली सबसे पहले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली आपको एक लाइन देखनी है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। या ये बेसिकली आप लाइन देख रहे हैं, सो ये बेसिकली लाइन क्या हमें सजेस्ट कर रही है, ये सजेस्ट कर रही है कि इस लेवल पे, एग्जैक्ट इस लेवल पे हमें एक सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हमने देखा जब यहाँ पर सेलिंग आई, उसके बाद यहाँ सेलिंग आई, अब ये दोबारा एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ गया। अब आप देखिएगा जब इसके ऊपर गया, जब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर गया, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, हमने देखा एक बहुत ज़्यादा अपमूव आते हुए देखी थी, और ये देख सकते थे ये गैप अप हुआ था जी। ये गैप अप जो हुआ था, जब आपने देखा था कि मोदी जी आए थे, उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो लेकर आई थी, उस दिन का ये गैप अप है। सो गाइस, अब क्या हो सकता है कि ये एक बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, जो कि 5600 के आसपास आ रहा है। अगर एक 5600 के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो ये क्या कर सकती है, सबसे पहली चीज़ जो ये कर सकती है कि ये अपने गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये ऊपर ऊपर गया था, तो इसने अभी तक गैप को फिल नहीं करा था। सो ये जो गैप आ रहा है लेवल, जो कि 7230 का लेवल आ रहा है, सो बेसिकली अगर ये 9600 के ऊपर निकलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम बीच में हमारे लिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस फ्रीली फ्रीली 9700 तक आराम से जा सकता है। और होने को ये पर्टिकुलर अगर इसके ऊपर जाता है, तो अपने हायर रेजिस्टेंस तक, यानी कि 9900 तक भी जा सकता है। सो इसको वॉच करते हैं और देखते हैं कि अगर ये 9600 के ऊपर क्लोज करता है, तो बेसिकली हम बाय पोजिशन बना सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर, अपर रेजिस्टेंस पे, यहाँ पर हमें सप्लाई देखने को मिलता है। सो अगर आपको यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल भी मिलता है, और अगर ये 9545 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, और अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाती है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है गाइस, सो बेसिकली नेक्स्ट सपोर्ट आता है अराउंड 9200 लेवल्स के आसपास, यानी कि 250 पॉइंट्स नीचे और 100 एंड 150 पॉइंट्स ऊपर के आपको दोनों साइड में टारगेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं अगर जाता हूँ बैंक निफ्टी पे, आपको दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है। या सो बेसिकली आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल पे हमने आपको बोला था कि 9370 में आप लोग वो आर्ली चार्ट पे लेकर जाता हूँ। सो बेसिकली आर्ली चार्ट पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। या सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह, आप देखिएगा मैं आप लोगों को इसके थ्रू समझाता हूँ, वेट करिए। या ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। जब रेजिस्टेंस आया, जब दोबारा ऊपर आया, तो यहाँ पर इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया, और इस डाउनफॉल में भी हमने पैसा कमाया। उसके बाद हमने देखा ये दोबारा यहाँ पर आ चुका, और दोबारा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिखा है। तो गाइस, इसका 19400 का जो लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जैसे ही 19400 का लेवल को ब्रेक करता है गाइस, उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो गाइस 19600 है। वो कैसे आया, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो गैप है ना, ये जो गैप अप गैप डाउन हुआ था, इस गैप को फिल नहीं करा।
सो ये 19,600 के आसपास है। अगर 19,400 ब्रेक होता है तो 19,600 तक ये प्रॉबेबली जा सकता है, बट अगर ये इसके नीचे दोबारा ट्रेड करना शुरू करता है तो हम दोबारा ये वाले लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 18,800 से लेके 18,700 तक कटा देता है। सो वॉच करिए और देखिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा। हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी गैप अप आया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार दोबारा, आप देखिएगा ये जो आप देखिए ये देख रहे हैं, ये चीज क्या सजेस्ट कर रही है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोगों को मैंने बहुत बार पैटर्न ये वाले बता रखे हैं, ये पैटर्न क्या सजेस्ट करते हैं। ये गाइस इसने बनाया है कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, और अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है तो सबसे पहला टारगेट तो गाइस 19,600 है, और दूसरा टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस लेवल से 700 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 20,000 रुपये का लेवल। अब ये 700 पॉइंट कैसे आया, जो ये आप रेंज दिख रहे हैं ना कप हैंडल की, ये 700 पॉइंट की है, 700 पॉइंट्स का ये गैप है। सो इस पर्टिकुलर डिफरेंस को फिल करने के लिए ये और अपसाइड दिखा सकता है, बट एक चांसेस और है गाइस, हमें हर अपनी टेक्निक को और स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए कि अगर इसके ऊपर नहीं जाता तो हमें क्या करना है। हो सकता है कि ये जो अपने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखिए क्या करे, इसी रेंज के अंदर थोड़े टाइम ट्रेड करे, उसके बाद जाके ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो हमें वॉच करना है। अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो भी हम लोग गाइस इस रेंज के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं, और अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो भी हम पैसा कमा सकते हैं, नीचे आता है तो भी हम ऑप्शन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। सो हर चीज में आप लोगों के पास ऑप्शन है, सो आप क्लियरली वॉच करके चल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर लेकर चलता हूँ, अगर आप लोगों के पास वेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक है गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, SBI लाइफ। अब SBI लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो SBI लाइफ मैंने आप लोगों को क्यों दिया है, उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन पैटर्न है। अब आपको क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये एक रेंज में चल रहा है, ये देख रहे हैं ये एक रेंज है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, एक सेकेंड, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऊपर आर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से एक सेलिंग आ जाती है और इस सपोर्ट से हम देखते हैं एक बाइंग आ जाती है। सो अभी उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और प्रोबेबली चांस है कि शायद अगर ये कल इस लेवल को ब्रेक कर देता है, वो कौन सा लेवल है, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन है, मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि शायद अगर ये कल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देता है जो कि 770 का लेवल है, वो और ऊपर तक जा सकता है। और उसके ऊपर के लेवल में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं तो ये रेड कलर की लाइन आप लोग देख रहे होंगे ना, ये यहाँ पर देखिएगा, जब इसके ऊपर इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, जो विक थी वो एग्जैक्ट विक गई थी 790 तक इस लेवल पे। जब इसने गाइस ध्यान से सुनिएगा, 770 को ब्रेक करा तो हमने देखा कि 790 तक गया, और वहां पर उसने एक विक बनाई, ये देख रहे हैं ये वाली विक, दोबारा नीचे आ गया, उसके बाद दोबारा इस लेवल पे ये ऊपर गया, विक बनाई एग्जैक्ट 790 पे और दोबारा नीचे आ गया। अब ये दोबारा इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर 770 के ऊपर का लिए मिलता है बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 790, क्योंकि शायद हो सकता है वहां से भी विक बना के नीचे आ जाए, बट अगर ये 790 को ब्रेक कर देता है तो गाइस एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हुआ है, और एक कप एंड हैंडल चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। सो प्रोबेबली ये SBI लाइफ बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है, और इसके जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं गाइस उस लेवल से 900 रुपये तक के निकल के आ रहे हैं, तो इस प्रोबेबली स्टॉक को आप होल्ड करके भी चल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग सेलेक्ट देखते हैं NMDC। ओके, सो NMDC हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, NMDC क्या बता रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी गाइस, तो NMDC पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NMDC क्या बता रहा है, मैं आप लोगों को और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा NMDC हम लोगों को ये चीज सजेस्ट कर रहा है कि एक सेकेंड, ये हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखी, स्ट्रॉन्ग अपमूव आने के बाद हम देख रहे थे ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, इस पर्टिकुलर चैनल को हम कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। गाइस ये फ्लैग पैटर्न है, और ये कौन सा टाइप का फ्लैग पैटर्न है, बुलिश। ठीक है, सबसे पहली बात ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, और ये रिलायबल कितना है, ये मोर रिलायबल पैटर्न है, इसे कहते हैं मोर रिलायबल पैटर्न। अब गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, तो तीन टाइप के होते हैं, हाई, मोर और लो। सो गाइस अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम में उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस कर रखी है और आप लोगों को सिखा रखा है, तो जाके देखिए और आप लोग वहां पर जाके समझ सकते हैं।
अब गाइज आप देख सकते हैं, देखिए एग्जैक्ट इस लेवल पे यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। अगर मैं इसके पैटर्न के टारगेट की बात करता हूँ तो वो ये टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि आ रहा है अराउंड 87 के आसपास। 87 का इसका लेवल निकल के आ रहा है, ट्रेड कर रहा है अराउंड 81.15 पे। अब गाइस 81.15 इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि आप यहाँ प्रीवियस लेवल पे देख सकते हैं। अगर ये इस लेवल के ऊपर कल निकलना कोशिश करता है तो हमारे लिए जो सेकंड टारगेट होगा वो 86 और 87 के आसपास का होगा। सो गाइस वेट एंड वॉच, अगर 81.30 के ऊपर ये निकलता है तो हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, वही मैंने आप लोगों को लेवल्स प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है गाइस, अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था? नेक्स्ट स्टॉक था गाइस वेदांता। वेदांता में भी गाइस सिमिलर पैटर्न है, आप लोगों को वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब गाइस कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, उनमें पर्टिकुलर अगर न्यूज़ होती है और अगर वो रिवर्स करते हैं तो वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो एक चार्ट पैटर्न फेलियर होता है। आप देख सकते हैं ये पैटर्न को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा गाइस, इस पैटर्न को कहते हैं हम पेनेंट पैटर्न। ये एक आपको मान के चलो तो एक फ्लैग पैटर्न का जुड़वा भाई समझ लीजिए आप लोग, तो ये पेनेंट पैटर्न है। और इसके जो टारगेट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। अगर मैं इसका मिनिमम टारगेट की बात करता हूँ तो जो कि आ रहा है अराउंड 96 रुपीज के आसपास, ट्रेड कर रहा है 92 रुपीज पे। एक बाय पोजीशन बना सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और मुझे लगता है प्रॉबेबली इसके जो टारगेट्स हैं वो आप लोगों को अचीव होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ज़्यादातर एनालिसिस प्रोवाइड करा दिया, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। गाइस टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट आना चाहिए, आपको हर तरीके से मैंने बता दिया है कि आप लोगों को कैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अब गाइस अगर आप लोग पेड सर्विस चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बट जनरली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप करिए। और गाइस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली ज़ीरोधा को प्रेफर करिए अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम ब्रोकरेज लेता है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 20 रुपये लेता है पर ट्रेड, या फिर 0.08% लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और उसके जो फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, वो सबसे अपग्रेडेड पर्टिकुलर ब्रोकरेज ट्रेडिंग पैनल है। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है ज्वाइन का, आप जाके लिंक को क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग नए हैं और ऐसे ही कंटेंट आप लोग मेरे साथ बनाना चाहते हैं, और अगर आप लोगों के साथ मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। सो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मैं शिवांश भसीन आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, साइनिंग आउट।